यहूदी राज्य के अवैध कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध की दुनिया भर में प्रतीक बन चुकी 17 वर्षीय अहद तमीमी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नीदरलैंड के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एम्स्टर्डम सहित कई शहर और टाउन में 13 सड़कों का नाम बदलकर उसे अहद तमीमी के नाम पर रख दिया है। इनमें से एक सड़क वह भी है जहां इजरायली दूतावास स्थित है। गौरतलब है कि नीदरलैंड ने बच्चों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन को अपने देश में मंजूरी दी है और इस देश के अंदर बच्चों को अधिकार पर बहुत जोर दिया जाता है, जबकि उसके विपरीत यहूदी राज्य फिलिस्तीन बच्चों के खिलाफ भी अपराध में लिप्त है। यहाँ तक कि 3 साल के फिलिस्तीनी बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों के अधिकार की उल्लंघन के साथ उन्हें किसी भी तरह के अधिकार देने से इनकार करता है। जिन अहम शहरों में सड़कों के नाम बदलकर उसे अहद तमीमी का नाम दिया गया है उनमें से दी हैग, एम्स्टर्डम सहित अन्य कई शहर और कस्बे शामिल हैं। गौरतलब है कि अहद तमीमी इस समय इजरायली जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज।